नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां पहली बड़ी और अहम खबर नोट के बदले वोट मामले से जुड़ी हुई है। नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। 1998 के फैसले से हम सहमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये कहा गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांसदों को राहत पर सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है, घूस स्वीकार करते आपराधिक दायरे में आते हैं, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा और अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फैसले को पलट दिया है। बड़ी खबर है, जहां 1998 के फैसले से सहमत ना होने की बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई है, वहीं सांसदों को राहत मिलने पर भी सुप्रीम कोर्ट सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि घूस स्वीकार करते आपराधिक दायरे में आते हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सलाहकार संपादक संजय राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कितना अहम माना जा रहा है और क्या इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर से ये ऐसा मामला है कि संसद या विधानसभा में कोई भी सवाल पूछना है उसके बदले आप पैसे लेंगे, तो इसको लेकर के एक केस हुआ था, नरसिम्हा राव मामला सामने आया था, जो 1998 का मामला था। उस समय बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जो जनप्रतिनिधि है उन पर किसी भी तरह का मुकदमा ऐसे मामलों में नहीं चलाया जा सकता है। अब डीवाई चंद्रचूड़ के 7 सदस्यीय खंडपीठ ने जो फैसला सुनाया, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला। इसमें यह बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 105 या 194 दो की बात कर ली जाए, इसका हवाला देते हुए साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो पैसा लेकर संसद या विधानसभा में सवाल पूछेगा। यानी कुल मिलाकर के अब इन पर मुकदमा चलना तय है और इसमें सजा होना भी तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और जाहिर सी बात है एक शिकंजा कसने की कोशिश हुई है, क्योंकि लोकतंत्र में ये कतई गवारा नहीं हो सकता है। जनप्रतिनिधि जनता की आवाज उठाने के लिए चुने जाते हैं, न कि पैसे लेकर के या घूस लेकर के किसी भी तरह का कोई सवाल या किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो। तो ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला और इस फैसले का काफी दुर्गामी परिणाम देखने को मिलेगा। अब कोई भी माननीय पैसा लेकर या किसी भी गलत तरीके से कोई सवाल संसद या विधानसभा के अंदर नहीं उठा पाएंगे, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद संजय जी। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरओ और एआरओ परीक्षा से जुड़ा मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। बड़ी खबर है, जहां आयोग ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, आरओ और एआरओ के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। 6 महीने में परीक्षा कराए जाने का आश्वासन दिया गया, वहीं अब आयोग ने एफआईआर दर्ज करा दी है। सिविल लाइंस थाने में ये एफआईआर आयोग की ओर से दर्ज कराई गई है। आपको याद दिला दें, 2 मार्च को परीक्षा रद्द की गई थी, जिसके बाद से आरओ एआरओ परीक्षार्थी और अभ्यर्थी काफी ज्यादा खुश थे और लगातार मामले में जांच कराने की बात कही जा रही थी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरओ और एआरओ परीक्षा का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है और अब आयोग ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। लगातार इस मामले पर जांच जारी है। सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरओ एआरओ परीक्षार्थी लगातार परेशान थे। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, देखिए, जिस तरह से अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे परीक्षा रद्द होने के बाद और ये एफआईआर दर्ज होने के बाद, आप परीक्षार्थियों में अभ्यर्थियों में किस तरह का रिएक्शन देख पा रहे हैं? बिल्कुल किरण, देखिए, बीते 11 फरवरी को लोक सेवा आयोग की आरओ एआरओ की परीक्षा होने के बाद से लगातार इस पेपर लीक होने का मामला सुर्खियों में बना रहा। इस दौरान प्रयागराज सहित में जितने भी अभ्यर्थी जो छात्र हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इस परीक्षा को रद्द करने की जब बात सामने आई तो प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने सीएम योगी का आभार जताते हुए कहा कि परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है और फिर से परीक्षा को जो है कराए जाने की बात है वो सामने आई। हालांकि इसकी ये परीक्षा कब कराई जाएगी इसकी अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जल्दी ये परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर लीक होने के मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है।
आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से सिविल लाइन्स थाने में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस को दी गई तहरीर में कहा गया है कि 11 फरवरी को दो पालियों में परीक्षा कराई गई थी। पहली पारी के परीक्षा में 104 प्रश्न जिस पर कोई सीरीज अंकित नहीं थी, लेकिन वह बी सीरीज से जुड़े हुए थे। दूसरी पाली के सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न डी सीरीज में मेल खा रहे थे। आयोग के मेल पर भी तमाम प्रत्यावेदन और साक्ष्य भेजे गए हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए इसमें किस तरीके से कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण होगा। जी किरण जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद पवन। खबर आगरा से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के जीतने के साथ ही खुद की भी प्रचंड जीत का दावा किया है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल को दोबारा से भरोसा जताया है। हमारे साथ मौजूद है सर, दोबारा से पार्टी ने भरोसा जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, अमित शाह जी का, श्री राजनाथ सिंह जी का, यूपी के मुख्यमंत्री, जिला महानगर संगठन, क्षेत्रीय प्रदेश और पार्लियामेंट्री बोर्ड का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिस अपेक्षा उम्मीद आकांक्षा को लेकर एक बार पुनः आगरा का टिकट दिया है। हम अपनी जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, मोदी जी जब मई 2024 में 400 एमपीओ के साथ लोकसभा में प्रवेश करेंगे तो उस 400 की माला में आगरा का भी कमल खिलेगा, ऐसा जनता से अनुरोध कर रहा हूँ। सर, शासनीय क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो क्या कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विकास कार्य रहे आपके कार्यकाल में? आप देख रहे होंगे कि स्मार्ट सिटी आगरा में, मेट्रो आगरा जैसे समकक्ष शहरों में नहीं है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि 6 जगह से हवाई जहाज शुरू हो गया, सिविल एयरपोर्ट का शिलान्यास होने जा रहा है, 6 तारीख को मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, वंदे भारत और गतिमान और एक मुंबई राजधानी इसी दौरान रुकी है, गंगा जल आगरा में आ रहा है, एतमादपुर विधानसभा एटा की नहर से लाए हुए गंगा जल को पिए की विकास होता तो फिर विकास का बजट ही खत्म हो जाता। तो विकास एक सतत प्रक्रिया और भारत एक विकासशील राष्ट्र है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में विकासशील भारत एक दिन विकसित भारत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो या न्याय यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे, क्या इससे 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा? पहले तो नाम बदलना चाहिए न्याय यात्रा का। यद जवाहरलाल नेहरू ने देश की जनता को न्याय दे दिया होता, कई बार एमपी प्राइम मिनिस्टर रहे, फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, फिर कुछ प्रधानमंत्री ऐसे रहे जिनका रिमोट जनपद पे रहता था, उन लोगों ने भारत की जनता को न्याय दे दिया होता तो आज उनको न्याय यात्रा की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात है, अन्यायी लोग न्याय मांगने के लिए आए हैं। उनकी दादी ने गरीबी हटाओ कहा था, देश के गरीबों ने इस प्रत्याशा में कि गाय बछड़े पे मोहर लगा देंगे तो गरीबी हट जाएगी, गरीबी हट गई होती तो 80 करोड़ लोग हमें विरासत में कौन मिले हैं जिन्हें मोदी जी 5 किलो गेहूँ चावल दे रहे हैं, 4 करोड़ लोगों को मकान दे रहे हैं, 12 करोड़ को सिलेंडर दिया है, 33 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बनाया है, 12 करोड़ लोग किसान सम्मान निधि पा रहे हैं। इसका मतलब गरीबी हमें विरासत में मिली है, लेकिन 25 करोड़ लोग मोदी जी के कार्यकाल में बहुआयामी गरीबी से ऊपर निकले हैं। 2047 का आंकड़ा, ये कल हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक 8 घंटे 20 मिनट चली है और इसमें तारीफ करना चाहूँगा कि ये पहली बार हुआ है कि चुनाव की पूर्व संध्या पर मंत्रिपरिषद हुई है जिसमें एक भी शब्द चुनाव को लेकर नहीं हुआ है। ये 8 घंटे डिस्कस हुआ है कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र कैसे बने, उसकी नींव कैसे रखनी है। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे आगरा से सांसद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार मोदी जी की गारंटी है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। एक ओर गोंडा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित होने के बाद जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आदर्श नगर पंचायत धानीपुर के वार्ड नंबर 2 महाराजा देवी बख्श सिंह नगर के लोगों ने मतदान का ही बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक गांव के लोगों को पक्की सड़क तक नहीं मिल पाई है। गांव को नगर पंचायत में शामिल किए जाने के बाद उम्मीद थी कि गांव तक विकास पहुंचेगा, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी वजह से अगर काम हुआ तो वो वोट नहीं देंगे। प्रशासन तक पहुंचे और कुछ हमारे गांव में भी विकास हो जाए, तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ जब बाबू रामपाल सिंह थे, एक रास्ता बनवाए थे, तब से उस पे एक तसला मिट्टी किसी ने नहीं डलवाया है आज तक।
आज तक के, इसीलिए हम लोग एकत्रित हुए हैं कि हमारी बात आगे तक पहुंचे आप मीडिया बंधुओं के सौजन्य से, और ये इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम वोट नहीं डालने जाएंगे। तो किसमें वोट नहीं डालेंगे? किसी भी चुनाव में नहीं डालेंगे। अभी लोकसभा का चुनाव है, हम पूरा गांव नहीं जाएंगे, एकत्र होकर किसी प्रत्याशी को गांव में आने नहीं देंगे, वोट नहीं मांगने देंगे। हम लोग एकत्र हुए हैं कि हम लोग मीटिंग करेंगे, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हो सकेगा वो करेंगे अपने लिए। धरना प्रदर्शन है, हम लोग इस किसी को वोट नहीं देंगे जी। या तो हमारे गांव का विकास होगा या तो हम लोग पूरा गांव बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालने जाएंगे किसी पार्टी को। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र, जिस तरह से गांव वाले नाराज हैं, क्या जिला प्रशासन से गांव वालों ने कोई शिकायत की है या जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आश्वासन मिला है गांव वालों को? देखिए, जिस तरीके से गांव वालों में आक्रोश पैदा हुआ है कि क्योंकि जो आजादी के बाद अभी तक ये गांव पड़ा है जिसमें अभी तक कोई सड़क मुहैया नहीं कराई गई है, जिसको लेकर जो गांव के हजारों संख्या में जो जनता है वहां की, वो काफी आक्रोश है। उन्होंने बाकायदा पोस्टर और बैनर लगा के मतदान बहिष्कार करने को लेकर बात कही है। वहीं गांव के लोग गांव के बाहर धरना प्रदर्शन भी दिया है और साफ तौर पर उन्होंने जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद, उनके ऊपर साफ तौर पर आरोप भी लगाया है कि इन लोगों की जब मुझको जरूरत होती है तब ही हम लोग याद आते हैं और गांव में केवल वोट मांगने के लिए ही आते हैं, उसके बाद गांव का जो विकास होता है या विकास के नाम पर कोई चीज नहीं जो है इन लोगों को दिखाई दे रही है, जिससे जो गांव के लोग हैं वो कोई भी चुनाव हो सारे चुनाव से मतदान करने को लेकर मतदान बहिष्कार कर दिया है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है और इसकी शिकायत कई बार भी जिला अधिकारी से लेकर सब की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई करती नहीं दिखाई पड़ी है जो इन गांव वालों को राहत मिले। जो गांव की जो पक्की सड़कें होनी चाहिए वो नहीं है, कई ऐसी समस्या है। रही बात जब ये नगर पालिका बनी, नगर पालिका में जो सीमांकन हुआ, सीमांकन में ये गांव जोड़ा गया नगर पालिका में, आदर्श नगर पालिका कही जाने वाले धानेपुर में जब ये गाँव जुड़ा तो गाँव के लोगों को एक जो है विकास की उम्मीद जगी कि अब हमारा गांव आदर्श नगर पालिका में जुड़ गया है, हो सकता है कुछ विकास हो। लेकिन लगभग एक साल हो गया आदर्श नगर पालिका के बावजूद भी इस गांव में अभी तक विकास के नाम पर कोई चीज नहीं हुआ है। गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि जब वोट का काम होता है नेता लोग तभी यहाँ आते हैं, फिलहाल जो गोंडा की सीट थी, लोकसभा सीट थी, वहां से दोबारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद के प्रधान सिंह दोबारा अपने जो है सीट बरकरार रखी है, उनका टिकट फिर भी क्लियर हो गया है। लेकिन जिस तरीके से गांव वालों का आरोप है, अगर विकास गांव में हुआ होता या प्रधान से लेकर या विधायक या नगर पंचायत या सांसद अगर विकास हुआ होता तो जो गांव के लोग हैं, जो गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज, ऊंट बहिष्कार करने की नौबत तक आ गई है, वो शायद नहीं होता। भूपेंद्र, जैसे आपने बताया कि पिछले एक साल से गांव वाले परेशान है, एक साल से शिकायत कर रहे हैं, तो क्या कोई जनप्रतिनिधि भी इनसे मिलने नहीं पहुंचा आज तक? देखिए, गांव वाले जो है, गांव वालों को साफ तौर पर कहना कि जनप्रतिनिधि तभी वहां पर पहुंचते हैं जब उनको वोट बैंक का काम होता है, जब उनको पांच साल में जनता की याद आती है कि मुझे वोट की जरूरत है तभी उस गांव को जाते हैं, उससे पहले उस गांव कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं पहुंचता है। गांव वालों का ये भी कहना है कि आजादी के बाद से आज तक कितने दिन हो गए, आजादी के बाद अभी तक उस गांव में सड़क नहीं बनी है। अब ये देखिए कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि बार बार जो जिला प्रशासन से लेकर जो जनप्रतिनिधि हो बार बार ये दावा कर रहे हैं कि हर गांव में विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन ऐसा ही एक ये गांव गोंडा का निकलकर सामने आया है जिस गांव में विकास की गंगा बही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गांव वालों ने किस तरीके से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और गांव वालों ने मतदान बहिष्कार कर दिया है जी। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद भूपेंद्र। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। उनका कहना है कि किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार इंडिया देश की आवश्यकता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर हमलावर होते हुए साफ कहा कि बीजेपी किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने बात बात में इंडिया गठबंधन का जिक्र भी किया। साफ साफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंडिया गठबंधन देश की जरूरत है, देश को
इंडिया गठबंधन की जरूरत है। ये बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बनाई है, सपा से इस्तीफा दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब तक लग रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन से भी कन्नी काट लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान साफ जाहिर कर रहा है कि स्वामी अभी भी गठबंधन का साथ देने को ही तैयार हैं और बीजेपी के खिलाफ हैं। बड़ी खबर है जहां स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसानों के साथ बीजेपी दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। वहीं बातों बातों में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये भी कह दिया कि इंडी गठबंधन देश की आवश्यकता बन चुका है। किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करने का आरोप एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान की वजह से एक बार फिर से चर्चा में बने हुए हैं। बड़ी खबर है जहां अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का साथ छोड़ा, सपा का दामन छोड़ा, नई पार्टी का गठन किया, हो सकता है अब वो इंडी गठबंधन के साथ ना हो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कह दिया कि इंडिया गठबंधन देश की आवश्यकता है। यानी कुल मिलाकर अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य इंडी गठबंधन के साथ ही है। ये बड़ी खबर है क्योंकि लोकसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन ही बचे हुए हैं। कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, और ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही सपा का दामन छोड़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है और इशारों इशारों में साफ कर दिया है कि वो अभी भी भाजपा के खिलाफ हैं और इंडी गठबंधन के साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को देश की आवश्यकता तक करार दे दिया है। सिद्धार्थनगर में बस्ती क्लस्टर लोकसभा बस्ती संत कबीर नगर डुमरियागंज प्रबंध समिति बैठक में शामिल होने राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा का पार्टी कार्यालय पर सांसद जगदम्बिका पाल, जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बताया जा रहा है कि पार्टी कार्यालय पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बस्ती क्लस्टर की चुनाव प्रबंधन समिति और लोकसभा चुनाव से संबंधित बैठक की और इस दौरान चुनाव जीतने पर चर्चा भी की। देखो, हम कम से कम 400 पार हमारी सीटें जो लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की जनता, भारतीय जनता पार्टी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जेपी नड्डा जी का साथ देगी और निश्चित रूप से हम 400 पार सीटों से आगे। सर, सिद्धार्थनगर कितने वोटों से जीतेंगे? देखिए, जिस तरह से हम पहले से बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे ये कह सकते हैं। सर, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि राजस्थान रेल की राजधानी बन गया, क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरतपुर में बोला है कि राजस्थान रेल की राजधानी बन गया। ऐसा है, जितने जिस तरह से मैं बताऊं, जिस तरह से उनका कांग्रेस का कार्यकाल राजस्थान में रहा है, तो दलित अत्याचार में सबसे नंबर वन 5 साल में आए हैं, महिला अत्याचार में नंबर वन देश में आए हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, कई हमने योजनाएं इस तरह की कर दी। खबर अलीगढ़ से है जहां इगलास कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर चल रही कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान ड्राइवर ने कार में आग लगते ही कार से कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई और मामले की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन इस दौरान कार जलकर राख हो गई। मऊ के हलधरपुर थाना क्षेत्र के बकराबाद गांव में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घर से बुलाकर युवक की पीट पीट कर हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड 19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट, बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कॉन्टेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकास प्रोडक्शन.gfx@gmail.com पर।